बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जू ज्योग्राफिक का न्यू टॉपिक है हमारा प्लियार्टिक रीजन। एज यू नो कि हक्सले, पीएल स्क्लेटर, एआर वेलस एंड डार्लिंगटन, इन चारों ने जो है अर्थ सरफेस को नियर अबाउट टू सिक्स रीजन्स में डिवाइड किए हैं। सिक्स रीजन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। प्लियार्टिक है, ओरिएंटल, एथोपियन, ऑस्ट्रेलियन, नियोर्टिक एंड न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम वन बाय वन हर एक को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इनमें किस टाइप के एनिमल्स हैं और किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हैं एनिमल्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है प्लियार्टिक रीजन फर्स्ट रीजन है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द सिक्स रीजन, इज कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 1,40,00,000 स्क्वायर माइल्स, यानी कि तकरीबन 1,40,00,000 स्क्वायर माइल्स पे ये फैला हुआ है। इन दिस रीजन, इस रीजन में कौन कौन से कंट्रीज हैं? होल यूरोप है, एशिया है, चाइना, जापान, ईरान एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इसके अलावा अफगानिस्तान है, इसके अलावा हमारा बलूचिस्तान है, वो भी इसी प्लियार्टिक रीजन में ही शामिल है। अब हम आते हैं इसके क्लाइमेट की तरफ। क्लाइमेट इसका किस टाइप का है? द रीजन शोज वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, इनके इनमें जो है वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन है किसकी? टेम्परेचर की। इनमें जो है गर्मी सर्दी रहती है, ज्यादा सर्दी भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए वहां के लोग भी, उनका कलर भी जो है ज्यादा फाइन है, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। इट ऑल्सो शोज वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल भी इनकी इसी तरह से जो है वो फ्लक्चुएशन होती है, इनमें कभी ज्यादा है कभी कम है। ऑन इट्स नॉर्दर्न साइड इज शोज टेम्परेचर कंडीशंस, कि उनकी नॉर्दर्न साइड पे जो है इनकी टेम्परेचर कंडीशन जो है वो क्या है, रेनफॉल की हो या टेम्परेचर की हो। ईस्टर्न एशिया शोज डिसाइडस फॉरेस्ट हैं, डिसाइडस फॉरेस्ट जो है वो किस टाइप के, यानी कि उनके हर साल जो है वो पत्ते झड़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं डिसाइडस मिल्क टीथ होते हैं, इनके बच्चों के जो है वो ये खास एज तक जो है वो टीथ गिरते हैं, इसी तरह डिसाइडस फॉरेस्ट हैं, इसी तरह कोनीफेरस फॉरेस्ट हैं इस एरिया में जो है वो प्रेजेंट हैं। इन द नॉर्दर्न रीजन स्टिप ग्रास लैंड आर प्रेजेंट हैं। स्टिप ग्रास लैंड हम उसे कहेंगे कि इनके पूरे मैदान जो है वो ग्रासी हैं, ग्रासी प्लेन्स जो है वो प्रेजेंट है वहां पे। इसी तरह जो है ये वाइड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल एंड क्लाइमेटिक फीचर्स जो है वो प्लियार्टिक रीजन्स का जो है वो मौजूद है। यहाँ पे आप देखें कि अगर हम प्लियार्टिक रीजन को देखें, इसका जो चारों साइड पे है, हम अगर देखें यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ है, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ साउथ है। यहाँ पे जो है हम देखते हैं वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। तो इस प्लियार्टिक रीजन को जो है वो तकरीबन तीन साइड से जो है किसने इनके साउंड किया हुआ है, तकरीबन सीज ने। सी जो है यहाँ पे सी है, इस तरफ सी है, इस तरफ जो है वो सी है, इनके समंदर है इनके तीन साइड पे, और दो साइड्स इनकी हैं यहाँ पे जो कि एथोपियन और ओरिएंटल रीजन से कनेक्ट हैं। एथोपियन एंड ओरिएंटल रीजन्स में जो इनमें लैंड जो है वो कनेक्शन है, ये नेबर इनके जो क्या कहते हैं कि नेबर रीजन्स हैं, इन रीजन्स, इन दो रीजन से इनके साथ लैंड कनेक्शन है, जबकि इनके साथ यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। लैंड कनेक्शन में इनके पास यहाँ पे सहारा डेजर्ट है और यहाँ पे जो है वो हिमालया माउंटेन्स हैं। लेकिन हम एक रीजन से दूसरे रीजन्स में इसलिए नहीं जा सकते, हालांकि लैंड कनेक्शन है इजीली जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े बैरियर्स हैं, एक डेजर्ट बैरियर है और दूसरा माउंटेन बैरियर्स है। तो इनका क्लाइमेट जो है वो ओवरऑल जो है वो गुड क्लाइमेट कहलाया जाता है। नेक्स्ट प्लियार्टिक रीजन्स के सब रीजन्स हैं। सब रीजन्स इनके फोर सब रीजन्स डिवाइड किए गए हैं इनटू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूरोपियन सब रीजन है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यूरोपियन सब रीजन है या इसका प्लियार्टिक रीजन का। मेडिटेरियन सब रीजन है, साइबेरियन सब रीजन है, ये साइबेरिया जो कि कोल्डेस्ट है। मंचूरियन सब रीजन है,
तो इसे डिवाइड किया गया है 4 सब रीजन्स में, इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पैलियोटिक रीजन का फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट सब रीजन है यूरोपियन सब रीजन। यूरोपियन सब रीजन जो है वो बेसिकली नॉर्थन एंड सेंट्रल यूरोप कहलाता है और ब्लैक सी इंक्लूडेड इन इट। ब्लैक सी जो है इसमें प्रेजेंट है, 85 फैमिलीज ऑफ वर्टिब्रेट जो है प्रेजेंट है। अगर हम इनका फौना देखें तो हमें जो है वो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स जो है वो मिलते हैं, उसमें 85 फैमिलीज ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर रिप्रेजेंटेड विद 6 फैमिलीज ईच। इनके एम्फीबियंस की भी 6 फैमिलीज हैं, इसी तरह रेप्टाइल्स की भी 6 फैमिलीज हैं। इनमें इनके स्पेशल कोई एक स्पीशी है मायोगेल। यहाँ पे डायग्राम में देखें मायोगेल ओनली वन जीनियस ऑफ मैमल इज प्रेजेंट। बर्ड लाइक टिट्स हैं, वेज टेल्स यानी कि वो भी बर्ड्स हैं जिनकी टेल्स जो है वो वेज लाइक होती है। इसी तरह मैमल्स हैं लाइक वुल्फ एंड मोल्स आर कॉमन इन दिस सब रीजन। वेज टेल्स ये हैं हमारे पास और ये टिट्स हैं। इसी तरह जो है डिफरेंट यानी कि फोना जो है फोना ऑफ एनिमल्स जो हैं वो इस रीजन में प्रेजेंट हैं। सेकेंड सब रीजन है मेडिटेरियन। मेडिटेरियन में कौन से ममालिक आते हैं, उसमें जो है तकरीबन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ यूरोप है। उसमें यूरोप के कुछ पार्ट था, यहाँ पे रिमेनिंग जो कुछ पार्ट्स हैं वो यूरोप के आते हैं। इसमें अफ्रीका एंड अरेबियन पोर्शंस आर इंक्लूडेड इन इट, यानी कि अफ्रीका है और अरेबियन पोर्शंस हैं। इसके अलावा इनमें जो फोना ऑफ एनिमल्स है, एनिमल का फोना 124 फैमिलीज ऑफ टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आर प्रेजेंट। टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स लाइक पोपूपा एंड पेस्टर, मैमल्स लाइक एलिफेंट श्रू हाइना एंड पोर्क्यूपाइन आर सीन इन दिस सब रीजन्स। यहाँ पे आप देखें कि ये ओपोपा है और ये क्या है पेस्टर है। इसी तरह जो है यहाँ पे श्रू वगैरह देखें, एलिफेंट श्रू है और इसके अलावा जो है ये पोर्क्यूपाइन है। ये यहाँ पे इस एरिया में या इस सब रीजन में जो है वो मिलते हैं। थर्ड रीजन हमारे पास है साइबेरियन सब रीजन। साइबेरियन सब रीजन जैसे कि नाम से पता है कि वर्ल्ड का जो है कोल्डेस्ट रीजन है साइबेरिया जैसे हम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ दिस सब रीजन इज मोस्टली कवर्ड बाय स्नो। द पार्ट इज ऑक्यूपाइड बाय टंड्रा मॉस एंड ऑफ एरेक्टिक प्लेन्स, यानी कि एरेक्टिक प्लांट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ जो है इसमें हिमालय आर इंक्लूडेड, डेजर्ट एरिया भी इसमें प्रेजेंट है। यानी कि इसमें जो मेन डेजर्ट एरिया है वो गोबी एंड तुर्किस्तान है, यानी कि वो स्पेशली जो है इस साइबेरियन रीजन में प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिमेनिंग एरियाज में जो है कुछ यानी कि हम कह सकते हैं ट्रीज वगैरह हैं और उन ट्रीज में कोनीफर्स और डिसाइडस हैं, ट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ज़्यादातर जो है ये क्या कहलाता है कोल्डेस्ट एरिया या स्नो कवरिंग एरिया कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि 94 फैमिलीज ऑफ वर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड। इन फैमिलीज में ज़्यादातर जो हैं वो डियर और मोल्स के पाए जाते हैं, और डियर भी कौन से, स्पेशली मस्क डियर जिनमें खास किस्म की मुश्क वाली खुशबू होती है इनकी नाक में। तो वो फैमिलीज जो हैं वो फैमिलीज ऑफ मस्क डियर एंड मोल्स आर कन्फाइंड टू दिस सब रीजन। ये मोल्स हैं तो ये इस रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सब रीजन ऑफ प्लियार्टिक रीजन का है मंचूरियन सब रीजन। मंचूरियन सब रीजन, मंचूरियन डिश आप खाती हैं बड़ी शौक से, तो इस रीजन की वो खास मशहूर डिश है जो पाकिस्तान में आजकल बड़ी मशहूर है। तो इनमें जो है कौन कौन से एरियाज आते हैं, मंगोलिया है, जापान है, कोरिया है एंड मंचूरिया आर इंक्लूडेड इन इट। इसमें जो है मैमल्स हैं, मैमल्स हैं टाइबिटन लंगूर हैं, यहाँ पे देखें ये हैं टाइबिटन या टिबटन लंगूर हैं, ग्रेट पांडा है ये हमारे पास है, टफ्टेड डियर है, इसके अलावा चाइनीज वाटर डियर आर कॉमनली फाउंड इन दिस सब रीजन।
नेक्स्ट हम फोना ऑफ प्लियार्टिक रीजन ओवरऑल हम पढ़ते हैं। उससे पहले जो है हम देख चुके हैं कि सब रीजन्स में जो है वो किस टाइप का एरिया है और किस टाइप के जो है एनिमल स्पेशली उनमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फोना ऑफ प्लियार्टिक रीजन है, फोना ऑफ प्लियार्टिक रीजन जो है इज वेरी सिमिलर टू डेट ऑफ द नियार्टिक रीजन। जब हम नियार्टिक रीजन पढ़ेंगे तो उससे काफी ये सिमिलर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनमें तकरीबन 35 पिक्यूलर जेनरा ऑफ मैमल्स हैं, 57 ऑफ बर्ड्स हैं, 16 ऑफ एम्फीबियंस हैं, 9 ऑफ रेप्टाइल्स हैं एंड 28 ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस हैं। तो फिर फिशेस का हम देखते हैं सबसे पहले कि फोना क्या है। मोस्ट ऑफ द फिशेस शो ग्रेटर एफिनिटी ऑफ नॉर्थ अमरीका। पैडल फिशेस इन चाइना, ये हैं पैडल फिशेस। इसके अलावा जो है साइप्रिनस हैं, ये हैं। इसके अलावा एनाबास ये हैं एंड सकर फिशेस, एकाइनस आर प्रेजेंट, ये हैं सकर फिशेस। तो ये हमारे पास जो हैं फिशेस 28 तकरीबन जो है इनकी फैमिलीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं किसमें, प्लियार्टिक रीजन में। नेक्स्ट एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस में हम देखते हैं कि फ्रॉग लाइक एनिमल हैं, फ्रॉग लाइक डिस्कोग्लॉसिस है, बफो है, हाइला है, रेकोसिफोरस है, सेलिमेंडर्स लाइक प्रोटियस है, नेक्स्ट क्या है मेगा और लो क्या है मेगा लो बेट्रक्स है एंड अ नंबर ऑफ टेल एम्फीबियंस आर सीन इन प्लियार्टिक एंड नियार्टिक रीजन। यहाँ पे ये देखिए कि ये क्या है, रेकोसिफोरस है। इसके अलावा यहाँ पे ये मेगा लो बेट्रक्स है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए आपके यहाँ पे आपको इनके विदाउट टेल जो है ये एम्फीबियंस जो है वो नजर आते हैं। रेप्टाइल्स की बात करते हैं, रेप्टाइल्स में जो है डिफरेंट टाइप के जो है वो लिजर्ड्स और स्नेक्स वगैरह नजर आते हैं। स्नेक्स लाइक नेट्रिक्स है, यहाँ पे ये नेट्रिक्स है। इसके अलावा जो है डिस्पेटिस है, टाइफ्लोस है, लिजर्ड लाइक मॉनिटर है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ ट्रू पिट वाइपर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो है कोलोब्रिड हैं, ये हैं कोलोब्रिड आर मोस्ट कॉमनली सीन इन प्लियार्टिक रीजन। नेक्स्ट बर्ड हैं। बर्ड्स में हम देखते हैं कि बर्ड्स लाइक हॉक्स, कुकूज, रेज, फिंचेस, क्रोज आर प्रेजेंट विच आर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। नियरली 37 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट, पैरट्स आर एबसेंट। इनमें ये देखें ये हॉक्स हैं, ये हमारे पास कुकूज हैं, ये रेल्स हैं और ये फिंचेस हैं। इसके अलावा क्रोज आपने देखे हुए हैं डिफरेंट यानी के टाइप के, यानी के इनको हम कह सकते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और ये तकरीबन 37 स्पीशीज हैं इन प्लियार्टिक रीजन। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है मैमल्स। मैमल्स इन प्लियार्टिक रीजन, प्लियार्टिक रीजन में जो है इनमें कॉमनली जो है वो कौन कौन से तकरीबन रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स जो है इनमें तकरीबन 28 फैमिलीज हैं। उन 28 फैमिलीज में कैमल है, डियर, वुल्फ, हॉर्स, पिग, हेजहॉग लाइक मैमल्स आर कॉमन। फ्रूट बैट्स हैं, पेंथ्रा ये देखें पेंथ्रा बियर है, स्क्वायरल्स वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये मोल्स हैं, बैट्स हैं, माइस है, रैबिट है। डिफरेंट इनके कॉमनली इनके फोना, ज़्यादातर इनमें फोना जो है एरेक्टिक रीजन से भी मिलता है क्योंकि हमने पहले ही कहा था प्लियार्टिक रीजन और एरेक्टिक रीजन जो है वो प्लियार्टिक और नियार्टिक रीजन ओवरलैप रीजन विद न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड फोना जो है इनमें प्रेजेंट है। नियार्टिक रीजन न्यू रीजन में आता है और प्लियार्टिक रीजन जो है ये ओल्ड रीजन में आता है, जैसे हमने नाम दिया था पैलियोजिया एंड नियोजिया। याद है आपको इसी तरह वर्टिब्रेट फोना जो है इनमें ये तमाम जितने भी हैं। इसके अलावा हाइना है, डोंकीज हैं, शीप है, ऑक्सन है, डियर है, बियर है, कैट है, डॉग है, तो तमाम एनिमल्स जो हैं वो इसमें मैमल्स में या इस प्लियार्टिक रीजन के मैमल्स में इंक्लूडेड हैं।